हेलो फ्रेंड्स, स्टोरीज के सुन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली में 25,000 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं, इनके पद 1 मार्च से खाली होने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप PTET, EET या PRT के लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका है और एक सुनहरा मौका है, क्योंकि जो दिल्ली में है बहुत ही जल्द यानी मार्च से टीचरों की भर्ती होने जा रही है। तो यहाँ पे एज अ गेस्ट टीचर के रूप में जल्दी यहाँ पे भर्ती होने जा रही है। तो देखिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि अस्थि शिक्षकों की सेवा 28 फरवरी के बाद समाप्त। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा स्तर पर यहाँ पे अस्थि शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिनकी जो सेवा है वो 28 फरवरी को समाप्त होने जा रही है। तो अब जो है 28 तारीख के बाद यहाँ पे फिर से जो है अस्थि शिक्षकों की यहाँ पे भर्ती की जाएगी, जिसमें आप सभी को यहाँ पे मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सरकारी स्कूलों में कई वर्षों से पढ़ा रहे अस्थि शिक्षकों की संविदा 28 फरवरी को ख़त्म हो रही है। इसे आगे बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और LG अनिल बेजल को इस बारे में पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग के अनुसार सभी अस्थि अध्यापकों का कार्यकाल 28 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे जो अस्थि शिक्षक जो यहाँ पे बने हुए थे दिल्ली में, तो इनका जो कार्यकाल है ये 28 फरवरी को यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि इस समय दिल्ली के सरकारी स्कूलों में CBSE बोर्ड के अलावा दूसरी कक्षाओं के भी परीक्षाएँ चल रही हैं। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य शोएब राणा ने बताया कि 25,000 से ज़्यादा अध्यापकों ने बच्चों को शिक्षा दिलाने में विशेष योगदान दिया। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे जो है 25,000 से जो ज़्यादा जो यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक जो हैं, इनकी वैकेंसी है। और यहाँ पे जैसे इनका 28 तारीख को यहाँ पे कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद फिर से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर से जो है यहाँ पे गेस्ट टीचर की भर्ती की जाएगी। तो इस समय आपको सभी को यहाँ पे मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि यदि इतनी बड़ी संख्या में अति अध्यापकों को हटाया गया तो सरकारी स्कूलों की परीक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन प्रभावित होगा, शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इस प्रकार से क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पर जो है टीचरों की भर्ती करना संभव नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे जो टीचरों की भर्ती की जाएगी वो गेस्ट टीचर के रूप में की जाएगी। तो इसमें यह है कि आप लोगों को सभी को मौका मिलेगा। और देखिए यहाँ पर जो 1 मार्च से पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो जुड़े दोस्तों हमारे साथ, और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे।